गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Why the strength is so less? गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग। बच्चे बहुत यार लेट ज्वाइन करते हैं, देर से मैं वेट कर रहा हूँ। अभी भी केवल 6 स्टूडेंट्स हो पाए हैं अभी तक। इन द मॉर्निंग देयर वर 18 और 19, 17, 18 ऐसे कुछ थे। सॉरी सर, इतने भी नहीं। इतने ही थे बेटा, तीन बच्चे नहीं आए अभी। तीन बच्चे नहीं आए मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं आए। इबाद तो तुम्हारे भाई, इबाद की तो बात ही क्या है। अरे इबाद नहीं सर, सिद्धार्थ। हाँ सिद्धार्थ एंड कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। सर आई कांट ओपन। व्हाई सर? बिकॉज़ व्हेन आई ओपन माय कैमरा आई गॉट डिस्कनेक्टेड। अरे बेटा खोलो, देखो हो जाएगी, ट्राई करो। साय शर्मा को हंसी बहुत आती है। ओके ऑल ऑफ यू टेक आउट क्वेश्चन नंबर 13। एवरीवन वी आर डूइंग एक्सरसाइज 15D, क्वेश्चन 13 वी हैव टू डू नाउ। जल्दी से, वी विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर टुडे ओनली। चलिए जल्दी, क्वेश्चन 13। निकाल लिया? चलो बेटा उत्कर्ष रीड द क्वेश्चन। Yes, sir. I am saying, beta, read the question. 13th wala question padho. A man goes 35 meter due west and then 12 meter due north. How far he is from the starting point? Okay, draw a figure for this. Aapne direction chapter padha tha reasoning mein. Four directions, yes, north, sir. South, east, west. डायरेक्शंस पहले बनाइए अपनी कॉपी में, लाइक यू मेक इन द चैप्टर डायरेक्शंस जो आपने रीजनिंग में पढ़ा था, वैसे ही फोर डायरेक्शंस बनाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एंड क्वेश्चन को पढ़ के एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करिए। आई वांट टू सी कि हाउ यू आर ड्राइंग योर फिगर। करो, ड्रॉ करो जल्दी से।
डन स्टार्ट योर वीडियो एंड शो योर फिगर ऑल ऑफ यू आदित्य बेटा मैंने देख लिया आपका फिगर वेरी गुड काय आपने बना लिया दिखाइए But I'm leaving. Who else has made show? Sushant beta dikhao. सर आई एम मेकिंग द फिगर सर वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनस यस यू हैव टू फाइंड हाइपोटेनस Very good. Jasmine has also drawn the figure. Very good, beta. Jasmine, दिखाओ एक बार और दिखाओ बेटा. अच्छा जैसे. Jasmine बेटा इसमें triangle कौन सा है जो question में कह रहे हैं कि he has gone to west फिर north में गया. And then there was a triangle. Sushant, directions कहाँ पे बनाई हैं आपने? Figure तो ठीक है, triangle तो ठीक बनाया है. Okay, look at this. Triangle अलग से बनाने की जरूरत नहीं है. वैसे ही जो आप directions बना रहे हैं उसी में बन सकता है triangle भी. देखिए. Yes sir. Okay, look at this. These are the directions. North, south, west, east. ठीक है सबको पता है. And now suppose he started from point A. पहले he went towards the west direction. Suppose यहां तक पहुंच गया west direction में point B तक. This is 35 meters. He walked. ठीक है he moved 35 meters towards north. ठीक है then he goes north sorry towards west. West I'm sorry. First he went 35 meters towards west and then he goes 12 meters north. ये नॉर्थ की तरफ चला गया. नॉर्थ की तरफ मुड़ गया. टर्न ले लिया नॉर्थ डायरेक्शन में. ऊपर होती है नॉर्थ. नॉर्थ की तरफ टर्न लिया. सो सपोज देन ही रीच पॉइंट सी 12 मीटर्स. ठीक है 12 मीटर नॉर्थ. नाउ यू हैव टू टेल अब वो जो पोजीशन है उसकी दैट इज हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड ए सी. चलिए जल्दी फाइंड करिए. सिर्फ वन मिनट का टाइम दे रहा हूँ एसी फाइंड करने के लिए. इज इट फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल. बन गया. लगाइए पाइथागोरस एंड फाइंड एसी जल्दी.
एक्स सर आंसर इज 37 मीटर आंसर इज 37 मीटर्स वेरी गुड करेक्ट आंसर देखो एच स्क्वायर equals to p square plus b square h is x hypotenuse x है यहाँ पे missing है perpendicular is 12 and base is 35 so x square equals to 144 35 square is 1225 that means x square is 1369 ठीक है तो x square equals to 1369 की factors करे आपने बहुत difficult है 1369 की factors करना मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाएगा ये factors करने में देखो लग गया आधा घंटा सीधे 37 से divide होगा 1369 और किसी prime number से divide नहीं होता है 1369 okay तो 37 इंटू 37 एक ही पेयर बनाया बस 37 स्क्वायर सो दैट मींस एक्स इक्वल्स टू 37 मीटर्स आंसर यस डन नेक्स्ट क्वेश्चन यस सर डन इट इज आई हैव क्वेश्चन 14 इज होमवर्क क्वेश्चन 15 करेंगे सर देन क्वेश्चन 14 आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन 14 इज एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन 13 यू विल ट्राई होमवर्क वेरी नाइस बेटा वेरी नाइस मुझे अच्छा लगता है बच्चे अगर पहला क्वेश्चन कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन बिना बताए अपने आप ये बेमानी हुई ये तो ये चीटिंग है आप लोग पहले से करके बताएंगे 15 फाइंड द लेंथ ऑफ 17 18 Find the length of diagonal of rectangle whose sides are 16 and 12 centimeters. There is a rectangle. There is a rectangle. A, B, C, D. Is a rectangle. Iski length hai 16 centimeters. Breadth hai 12 centimeters. We have to find the diagonal of the rectangle. Diagonal क्या होती है जल्दी बताइए. What is the diagonal of rectangle? क्या होता है? Diagonal क्या चीज होती है? Sir, A, B, C, D sir points. A, B, C, D diagonal होती हैं. वाह बेटा. नहीं sir. A and C. A, C. If we join A, C, A और C opposite vertices को, तो diagonal बनती है. ठीक है बेटा. उत्कर्ष. Yes sir. वेरी गुड वेरी गुड क्यों बोला मैंने सर बिकॉज़ आई अंडरस्टूड नहीं बिकॉज़ यू ट्राइड टू गिव द आंसर इसलिए बोला वेरी गुड समझे यस सर ओके एसी फाइंड एक्स डायगोनल एसी वी हैव टू फाइंड मैं नहीं करूंगा जल्दी बताओ 1 मिनट
20 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोग पहले से करके बैठे हुए, ये बिल्कुल साफ सरासर चीटिंग चल रही है। सर पहले से नहीं कर रहा है सर, अभी अभी चीटिंग कहाँ है सर, कह रहा था हमने ये खुद करा है, हैं खुद करा है बताओ। हाँ खुद करा है सर, स्कूल में उदय सर ने सर समझाया था सर। यस सर, सर आपने 14 कराया सर, उन्होंने घर के लिए दिया था सर, आपने 15 दिया घर के लिए, और 15 सर कराया सर। मैंने घर के लिए कौन सा दिया भाई, मैंने तो 14 बस मैंने बोला है होमवर्क। नो सर, यस सर 14 सर आपने होमवर्क दिया, उन्होंने कराया सर। ओके चलिए तो अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी वाई आर वी यूजिंग एंगल्स ऑफ, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी क्यों यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ कैन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। बिकॉज इट इज अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, एंड ये राइट ट्राइंगल क्यों है, why is it a right triangle, because it is a rectangle sir, the corners are sir equal sir. beta because in a rectangle all angles are right angles, pata hai ye baat aapko, ek rectangle ke sare angle 90 ke hote hain, yes sir, that I am trying to say, yes yes. So that is why triangle ABC तो right triangle हो गया, और right triangle तो Pythagoras इसमें लग जाएगी। So x square equal to 16 square plus 12 square, please mention the reason in all the questions, Pythagoras theorem, ठीक है? So x square equals to 256 plus 144, x square equals to 400, x square equals to 20 square, x square equals to 20 centimeters. x equals to 20 centimeters, ठीक है? Yes sir. Okay. Let us do the next question. You all have done. Question number 16. ये कह रहा है बेटा, question 16 कह रहा है that find the perimeter of a rectangle whose length is 40 and the diagonal is 41. Again there is a rectangle. सिद्धार्थ बताएंगे हमको क्या दिया हुआ है question में. सिद्धार्थ what is given और क्या पूछना है? सर हमें डायगोनल दी गई है और लाइन और सर रेक्टेंगल की सब ब्रेथ दी गई है सर, हमें पहले लेंथ निकालनी है सर, लेंथ दी गई है, ब्रेथ निकालनी है। हां सर ब्रेथ निकालनी है, मतलब लेंथ। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। डिवाइड करेंगे सर 41 सेंटीमीटर से, डायगोनल बनाएंगे 41 सेंटीमीटर की, तो सर हमें टू साइड्स मिल जाएंगी, थर्ड निकालनी है। वेरी गुड, सो देयर इज अ डायगोनल ऑफ rectangle AC which is given in this question, diagonal is given 41 centimeters, the length of the rectangle is 40 breath centimeters, the breadth of the rectangle is missing x, missing 9 centimeters. So now we have to find the perimeter of this rectangle. To find the perimeter we should first know the breadth of the rectangle, we must know the breadth. Breadth is not there. How we are going to find breadth? Using Pythagoras theorem. Now you understand how useful Pythagoras theorem is. देखिए कितनी जगह use हो रहा है. So again in triangle ABC, because it is a right triangle, we can use Pythagoras theorem. AC square, AC square हटा दो. Hypotenuse square is equals to P square plus B square. 41 square is equals to 40 square plus x square. 41 square 1681 होता है, ठीक है बेटा?
40 स्क्वायर होता है 1600. सर आई वांट टू आस्क समथिंग. यस सर. सर अगर सर हमने नीचे वाला लिया तो सर इसके हम ऊपर वाला भी ले सकते हैं सर. जैसे आपने सर ए बी लिया है सर तो हम ऊपर वाला बीसी भी ले सकते हैं. एक्चुअली नो प्रॉब्लम इन दैट, ऐसा कुछ नहीं है. आप किसी भी साइड को लेंथ ऑफ ब्रेथ मान सकते हैं. वैसे जनरली क्या होता है, द लॉन्गर साइड इज टेकन एज द लेंथ. रेक्टेंगल में ज्यादातर जो लंबी वाली साइड होती है उसे लेंथ लेते हैं. ब्रेथ आपकी देखिए, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी है इन्होंने लेंथ इज गिवन, ठीक है, ब्रेथ निकालनी है. तो वैसे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट बीसी यहाँ पर 9 आ गया. ओके x आ गया 9. नाउ वी कैन फाइंड द पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस b. वी ऑल नो फ्रॉम चाइल्डहुड इन प्री नर्सरी प्रेरणा मैम टोल्ड अस दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस b. सो पेरीमीटर इक्वल टू 2l, l इज 41, ब्रेथ इज 9, 2 इनटू 41 नहीं है सॉरी 40 है, 40 प्लस 9, लेंथ इज 40, सो दिस इज 2 इनटू 49 व्हिच इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर्स. आ गया पेरीमीटर, बताइए हो. ओके क्वेश्चन नंबर 17, गुड क्वेश्चन, इनफैक्ट अ वेरी गुड क्वेश्चन. चलिए हमारे फ्रेंड ब्लैक बोर्ड इंचार्ज सिद्धार्थ प्रताप, बोर्ड इंचार्ज बेटा प्लीज क्लीन द बोर्ड. सिद्धार्थ सर, सिद्धार्थ वाज नॉट द बोर्ड इंचार्ज, ही वाज क्लास मॉनिटर. सिद्धार्थ प्रताप तो बोर्ड इंचार्ज. नाउ ही इज क्लास. यस सर, बोर्ड इंचार्ज था, अब बन गया सर क्लास मॉनिटर. अब किसने बनाया क्लास मॉनिटर इसको? सर पलक मैम. पलक मैम ने. ओह पलक मैम के आगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं. तो ठीक है भाई, फिर नाउ हु इज द बोर्ड न्यू बोर्ड इंचार्ज? क्वेश्चन of whose diagonals are 16 centimeter and 30 centimeter, sir. Very good. Sky Sharma, I must appreciate you that your reading skills are very good. Find the perimeter of rhombus, of a rhombus, the lengths of whose diagonals are 16 centimeters and 30 centimeters. Okay. So draw a rhombus. Figure to वैसे book में भी बना हुआ है. Draw this figure in your copies. थोड़ा दिमाग लड़ाइए, कोशिश करिए कि कैसे perimeter तक rhombus के पहुंच सकते हैं. अब ये मत कहना हमने पहले से ही किया हुआ है. मैं आपसे पूरा explanation पूछूंगा इसका. मैं 2 minutes का time दे रहा हूँ सोचने के लिए. Try your best in the question. What period you have next one? किस चीज का पीरियड है आपका नेक्स्ट वाला? क्या लिखा है आपके टाइम टू टाइम? सर रीजनिंग. नेक्स्ट नेक्स्ट वन.
So CT means class teacher. So again, it is my period. Yes, jaldi karo jaldi. Yes, everyone done. Hamad Naseem is there in the class? Is he there present? Hamad beta, have you done this question? Yes, tell me. Hamad, you have got the answer of this question or not, Hamad? बताओ बेटा सर कैन यू एक्सप्लेन सर इट इज सो ट्रिकी सर आई हैव डन इन माय कॉपी सर बट आई कांट अंडरस्टैंड इट वेरी गुड बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा स्काई शर्मा आई रियली लाइक्ड इट यू आर अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन वेरी गुड आई लाइक द स्टूडेंट्स हु आर ऑनेस्ट एंड हु Tell what problem they are facing clearly that I have this problem, I am not able to do. Whenever you go to a doctor, जो भी आपको बीमारी है, अगर आपको बीमारी है, तो आप डॉक्टर को जब तक अपनी बीमारी से सच नहीं बताएंगे, डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? Am I right or not? वैसे ही टीचर के साथ भी होता है. पता लगा हो रहा है पेट में दर्द बता रहे हैं कि सर में दर्द हो रहा है. कैसे काम चलेगा राइट और नॉट
ये सब दिमाग निकाल के फेंक दे। So there is a rhombus. Rhombus क्या होता है? It is a type of parallelogram, or you can say it is a type of quadrilateral where all the sides are equal. चारों sides इसकी equal होती हैं. It is very important to understand the properties of a rhombus. Very important to know the properties of a rhombus to do this question. Rhombus की properties पता होनी चाहिए. सबसे पहली बात ये है. तो रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन दैट इज द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये सारे एंगल 90-90 के हैं, बीच में दिख रहे हैं आपको, सब 90-90 के हैं। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा कर देती है दूसरे को। सो एसी डायगोनल जो है, एसी डायगोनल इज कितना दिया है आपको? एक डायगोनल दिया है 16, 180, 130। तो AC अगर आपका 16 सेंटीमीटर्स है, 16 सेंटीमीटर्स है, सपोज ये बीच में पॉइंट O है आपका, O मान लेते हैं इसको। सो AO जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 16/2 बिकॉज बाइसेक कर रही है। O क्या है? मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का। बाइसेक का मतलब होता है दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट O है। So 8 सेंटीमीटर हो गई AO, half of 16। ऐसे ही BO हो गई आपकी half of 32। दूसरी डायगोनल कितनी थी? 30 थी। तो 30/2 15 सेंटीमीटर आ गई सेकेंड डायगोनल। तो आपको ये पता चल गई 8 एंड ये पता चल गई 15। नाउ AOB इज अ राइट ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, देखिए ध्यान से। yes, sir. AOB is a right triangle. इसमें पाइथागोरस लगाइए, AB निकाल लीजिए, X। और पेरिमीटर कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। पहले पाइथागोरस से AB निकालिए। AB क्या हो गई इस ट्राइंगल की? हाइपोटेन्यूज हो गई। वेरी गुड। तो AB निकालने के बाद नाउ यू मल्टीप्लाई AB बाय 4, आपको पेरिमीटर मिल जाएगा बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। आया समझ में? जस्ट मल्टीप्लाई ए बी बाई जो भी आएगी तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द पेरिमीटर ऑफ द रोम्बस। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ओके सर। और नॉट? यस सर। सर ए बी 17 एंड सर मल्टीप्लाई बाय 4 16। गॉट।